नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त महेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि करेंसी की डेसिमलाइजेशन क्या होती है और भारत में करेंसी की डेसिमलाइजेशन कब हुई थी और क्यों हुई थी। तो इससे पहले कि हम डेसिमलाइज्ड और प्री डेसिमलाइज्ड सिक्कों के बारे में जानकारी लें, हम डेसिमलाइजेशन क्या होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। डेसिमलाइजेशन वो पद्धति है जिसमें किसी देश की करेंसी या नाप तौल करने के मापदंड को ऐसे भागों में बांटा जाता है जो कि 10 से गुना हो सके। हमारे देश में डेसिमलाइजेशन 1 अप्रैल 1957 यानी 1 अप्रैल 1957 से लागू हुई थी। इससे पहले भारतवर्ष में 4 तरह के सिक्कों का प्रयोग होता था। पहला तो रुपए थे, उसके बाद आना थे और फिर पैसे और पाइस भी थे। तो 1 रुपए में 16 आना होते थे और जिसमें कि 64 पैसे और 192 पाइस भी हुआ करते थे। 1 रुपए में 16 आना, आधे रुपए में 8 आने और 1/4 रुपए में 4 आने हुआ करते थे। रुपए को भाग करने की ये पद्धति थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हुआ करती थी और याद रखने के लिए भी थोड़ा कठिन था। कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए भारतवर्ष में 1957 में 3 तरह के सिक्कों का प्रयोग बंद कर दिया गया। आना, पैसे और पाई का व्यवहार बंद हो गया और एक नई पद्धति लागू की गई जिसमें नया पैसे को पहली बार हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 1 रुपए में 100 पैसे थे, आधे रुपए में 50 और 1/4 रुपए में 25 पैसे होने लगे। तो आइए देखते हैं मेरे कलेक्शन में डेसिमलाइजेशन से पहले की कौन कौन से सिक्के मौजूद हैं। तो ये मेरे कलेक्शन के ऐसे कुछ सिक्के हैं जो डेसिमलाइजेशन के पूर्व इशू किए गए थे और ऊपर की लाइन में से जो 5 सिक्के हैं वो प्री डेसिमलाइजेशन पीरियड के हैं और जो नीचे के 3 सिक्के हैं वो पोस्ट डेसिमलाइजेशन के हैं। इनके अलावा मेरे पास 2 ऐसे सिक्के हैं जो डेसिमलाइजेशन के साथ साथ इनका इशू होना बंद हो गया था, जो आधा आना है और 1 पैसा है। मैंने जो नीचे की लाइन में 3 सिक्के रखे हैं वो डेसिमलाइजेशन के बाद में इशू किए गए थे। ये सिक्के मैंने प्री डेसिमलाइजेशन के सिक्कों के साथ में कंपेयर करने के लिए रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं 1 रुपए के कॉइन से। जो प्री डेसिमलाइज्ड 1 रुपए का कॉइन है ये 1950 से 1954 के बीच इशू किया गया था और ये कॉइन 1950 का है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइड में गेहूं की बालियां हैं, 1 रुपया ऊपर में लिखा हुआ है 1 रुपी 1950 और ये डायमंड मार्क जो कि दर्शाता है कि ये मुंबई मिंट से जारी किया गया था। सिक्के के पिछले भाग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, एक स्टार मार्क है और अशोक स्तंभ का चिन्ह है। ये सिक्का निकल का बना हुआ है, इसका वेट 11.59 ग्राम्स है, डायमीटर 27.5 mm और थिकनेस 2.5 mm का है। और अगर हम पोस्ट डेसिमलाइज्ड 1 रुपये का सिक्का देखें तो ये भी कई हद तक पिछले सिक्के जैसा ही था। दोनों तरफ गेहूं की बालियां, 1 रुपये का कॉइन लिखा हुआ है और पीछे में अशोक स्तंभ और भारत यानी इंडिया लिखा हुआ है। ये सिक्का निकल का बना हुआ है, इसका वेट 7.74 ग्राम्स है, डायमीटर 27.8 mm का है और थिकनेस 1.6 mm का है। हमारा अगला सिक्का आधे रुपए का सिक्का है जिसे डेसिमलाइजेशन से पहले आधे रुपए का सिक्का कहा जाता था। इसके भी दोनों तरफ गेहूं की बालियां, आधे रुपए लिखा हुआ 1/2 rupees 1954 और कॉइन के पीछे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और एक स्टार मार्क और अशोक स्तंभ चिन्हित है। यह सिक्का 1950 से 1956 के बीच में इशू की गई थी।
इसका वेट 5.75 ग्राम्स है, डायमीटर 24 mm का है, थिकनेस 1.7 mm। पोस्ट डेसिमलाइजेशन आधे रुपए का सिक्का 50 पैसे के नाम से भी जाना गया। सिक्के के दोनों तरफ गेहूं की बालियां थी और ऊपर में लिखा है रुपए का आधा भाग। यह सिक्का 1964 से 1971 में इशू किया गया था और इसकी मेटल कंपोजिशन निकल की है। इसका वेट 5.04 ग्राम्स है, डायमीटर में ये 24 mm का है और थिकनेस इसकी 1.3 mm की है। चलिए अब जानते हैं 25 पैसे के बारे में, जो डेसिमलाइजेशन के पहले रुपए का 1/4 भाग या 4 आना के नाम से भी जाना जाता था। यह सिक्का 1950 से 1957 के बीच में इशू हुआ था। यह सिक्का 1954 का है। सिक्के के दोनों तरफ गेहूं की बालियां हैं, ऊपर में 4 आना 1/4 रुपीस लिखा हुआ है और पीछे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, एक स्टार मार्क है और अशोक स्तंभ भी है। ये निकल का सिक्का वेट में 2.87 ग्राम का है, डायमीटर इसकी 19 mm है और थिकनेस इसकी 1 mm है। ये सिक्का डेसिमलाइजेशन के बाद 25 नए पैसे बन गया और ये रुपये का 1/4 भाग भी कहलाया जाता था। ये निकल का सिक्का 1957 से लेकर 1963 के बीच में इशू किया गया था और ये साइज में बिल्कुल ही पिछले सिक्के जैसा था। वेट 2.4 ग्राम्स, डायमीटर 18.9 mm का और थिकनेस 1 mm की थी। इनके अलावा भी 4 और सिक्के डेसिमलाइजेशन से पूर्व इशू किए गए थे, जिनकी जानकारी मैं यहाँ दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं 2 आना की। ये 1950 से 1957 में इशू की गई थी। इसका कंपोजिशन कॉपर निकल का था। वेट 5.78 ग्राम्स, डायमीटर 25.4 mm और थिकनेस 1.73 mm की थी। इसका शेप स्क्वायर था और इसके कॉर्नर्स राउंडेड थे। सामने में एक बुल यानी बैल का चित्र अंकित था और हिंदी और इंग्लिश में 2 आनास यानी 2 आना लिखा हुआ था और नीचे में साल भी लिखा हुआ था। सिक्के के पिछले भाग में अशोक स्तंभ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और एक स्टार मार्क भी था। जो 1 आना का कॉइन था वो 1950 से 1955 के बीच में इशू किया हुआ कॉपर निकल का 1 आना था और इसका वेट 3.8 ग्राम्स था, डायमीटर 21 mm, थिकनेस 1.57 mm की थी। ये कुछ साल पहले एल्युमिनियम का 10 पैसे का कॉइन जैसा स्कैलप्ड शेप का था, इसमें 12 नॉचेस थे। इस सिक्के के सामने में एक बैल का चिन्ह अंकित था, नीचे में साल लिखा हुआ था जिस साल में कॉइन को इशू किया गया था और 1 आना इंग्लिश में और हिंदी में 1 आना लिखा हुआ था। पीछे भाग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, अशोक स्तंभ और एक स्टार मार्क भी था। हमारा अगला सिक्का 1/2 आना था, जो कि 1950 से 1955 में इशू की गई थी। ये कॉपर निकल का बना हुआ था। ये 2.92 ग्राम्स का था और डायमीटर में 19.5 mm और थिकनेस 1.4 mm की थी। ये स्क्वायर शेप में था और इसके कॉर्नर्स राउंडेड थे। सिक्के के सामने ओर में एक बैल का चिन्ह अंकित था, नीचे में साल लिखा हुआ था और इंग्लिश और हिंदी में 1/2 आना लिखा हुआ था। सिक्के के पिछले हिस्से में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, स्टार मार्क था और एक अशोक स्तंभ अंकित था। हमारा आखिरी सिक्का 1 पैसे का है, जो कि 1950 से 1955 में इशू किया गया था और इसकी मेटल कंपोजिशन ब्रॉन्ज की थी। वेट में ये 2.92 ग्राम्स का था, डायमीटर 21 mm और थिकनेस 1.14 mm की थी। इस सिक्के की सामने की ओर एक घोड़े का चिन्ह अंकित था
और हिंदी और इंग्लिश में 1 पैसा या 1 पैसा लिखा हुआ था। पिछले भाग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अशोक स्तंभ और एक स्टार मार्क भी था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो इंडियन करेंसी के डेसिमलाइजेशन पर। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।